दोस्तों एक बार इमेजिन करके देखिए, एक बच्चा जिसने अभी सही से बोलना भी नहीं सीखा है, वो एक जंगल में खो जाता है और अपने 12 साल की उम्र तक वो जानवरों की तरह उसी जंगल में अकेले जिंदगी जीने लगता है। वो बच्चा जिसने अपने सीखने और समझने की शुरुआती उम्र को जंगल में ही बिता दिया, क्या वो अब फिर से एक इंसान बन पाएगा? क्या वो बाकी बच्चों की तरह अच्छे से बोल लिख और समझ पाएगा? और क्या वो दुख और दर्द और खुशी जैसी भावनाओं को अब महसूस कर पाएगा? तो चलिए जानते हैं इतिहास में घटी एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प घटना और समझते हैं इससे जुड़ी एक रहस्यमयी साइकोलॉजी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत लगभग 1790 के आसपास होती है, जब एक बच्चा जिसका नाम विक्टर दिया जाता है बाद में, उसका जन्म होता है। जन्म के लगभग 4 या 5 साल बाद ही यानी कि 1795 में वो एक जंगल में खो जाता है और तब से वो बच्चा यानी कि विक्टर उसी जंगल को अपना असली घर समझ के वहीं रहने लगता है। जंगल में अक्सर काम के सिलसिले में आने जाने वाले लोगों ने कई बार एक बच्चे को घने जंगल में भटकते हुए देखा। 1798 के आसपास विक्टर लोगों की पकड़ में भी आया, बट एक हफ्ते के अंदर ही वो उनके कैद से दूर फिर से उस जंगल में विलुप्त हो गया। फाइनली जनवरी 1800 में उसे पकड़कर पेरिस के एक ऐसे यूनिवर्सिटी में ले जाया गया जहाँ स्पेशली गूंगों और बहरे लोगों के लिए काफी रिसर्च चल रहा था। कई डॉक्टर्स उस बच्चे पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। विक्टर ना तो कुछ सुन रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। इनफैक्ट वो किसी भी सेंस का इस्तेमाल करने में कैपेबल ही नहीं था। वो कुछ नेचुरल साउंड को ही सुन सकता था, जैसे कि नट क्रैकिंग या पेड़ से अचानक किसी फल का गिरना। 5 साल जंगल में बिताने के बाद मानो वो अपनी महसूस करने की क्षमता को लगभग खो दिया है। वो बिना कपड़ों के रहना चाहता है, उसके लिए गर्म और ठंड दोनों बराबर है। वो खौलते हुए पानी से पोटैटो निकाल लेता है, कड़ाके की ठंड में खुद पे ही पेशाब कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो ना तो लोगों का जख्म देखकर दुखी होता है और ना ही किसी की स्माइल देखकर खुश होता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी एम्पैथी पूरी तरह से खो दिया है। उसे जब तक भूख नहीं लगती, उसे तब तक किसी भी इंसान से कोई मतलब ही नहीं होता। वो अकेले में ही सबसे ज्यादा संतुष्ट रहता है। साफ सफाई तो उसके लिए मानो जैसे दुनिया का सबसे फालतू काम हो। पाइनल जो कि मेंटल इलनेस के स्पेशलिस्ट थे, उनके मुताबिक ये एक जंगली नहीं बल्कि ये एक ऐसा गूंगा बहरा और कम अक्ल वाला बच्चा है जिसका इलाज ही नहीं किया जा सकता। इसके जैसे लोग तो मेरे कई पागल खानों में मिल जाएंगे। इसके बाद साइकार्ड जो कि पर्सियन इंस्टीट्यूट फॉर डीफ एंड म्यूट के एक हेडमास्टर थे, उन्होंने विक्टर को पढ़ाने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थक हार कर वो विक्टर को ये कहते हुए पढ़ाना छोड़ दिए कि ये बच्चा अनटीचेबल है, यानी कि इसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। जब लगभग सभी फिजिसिस्ट डॉक्टर और प्रोफेसर हार मान लिए, तब उस जंगली बच्चे की जिंदगी में दस्तक देते हैं एक 25 ईयर ओल्ड फिजिसियन जीन मार्क गैस्पर इटार्ड। ये वही शख्स है जिसने इस जंगली लड़के को एक नाम दिया विक्टर। इटार्ड टेवलर रासा थ्योरी के बहुत बड़े बिलीवर थे। इस थ्योरी का कहना है कि जब हम जन्म लेते हैं, तब हमारा दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। इसमें ना तो कोई डेटा लिखा होता है और ना ही डेटा को प्रोसेस करने का कोई तरीका। धीरे धीरे हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर इस स्लेट को भरते रहते हैं। इस थ्योरी पे पूरा भरोसा करके इटार्ड ने विक्टर को पूरी तरह से नॉर्मल बनाने के लिए ठान लिया था। उसने अंदर ही अंदर ये सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं इसे भी बाकी बच्चों की तरह सभ्य और समझदार बना के रहूंगा। इटार्ड ने विक्टर के सभी सेंस को एक्सपैंड करने पे काम किया। विक्टर को लोगों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए इटार्ड ने उसे लोगों पे बहुत डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की और इस काम के लिए एक फ्रेंच वुमेन जिसका नाम ग्यूरिन था, उसने उसको विक्टर का केयर टेकर बना दिया। इटार्ड विक्टर को बोलने की टीचिंग देने लगा। वह उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि सोचने समझने की क्षमता को इन्हेंस करना चाहता था और इटार्ड की मेहनत का सिलसिला लगभग 6 सालों तक चला। स्टार्टिंग में उस जंगली बच्चे को साउंड, टेम्परेचर और पेन में आए किसी भी बदलाव का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इटार्ड विक्टर को हर दिन लंबे समय तक गर्म और ठंडे पानी से नहलाने लगा ताकि वह तापमान में आए बदलाव को महसूस कर सके। और अच्छी बात ये थी कि तकरीबन 3 महीने बाद विक्टर वाकई में ठंड और गर्म को महसूस करने लग गया था। वह कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखने को मिला और जुकाम होने पर वह छींकने भी लगा। विक्टर तो बहुत कुछ सीख रहा था, बट जब बात बोलने की आई तब वह बहुत ही पीछे हो गया। यू, ली, ला एंड ड्यू वो लेटर्स हैं जिन्हें विक्टर कुछ सालों में ही सीख गया था। यू यानी कि वाटर, ओ ड्यू यानी कि ओ गॉड और लेट यानी कि मिल्क। ये वो गिनती के 3 शब्द थे जिसे विक्टर अब बोल सकता था। लेट वो वर्ड था जिसे विक्टर अक्सर मिल्क मिलने के बाद बोलता था।
शुरुआत में इटार्ड को लगा कि शायद विक्टर समझ गया है कि लेट मतलब मिल्क होता है, लेकिन इटार्ड की ये खुशी तब खत्म हो गई जब विक्टर ऐसे बहुत सी चीजों के लिए लेट वर्ड का यूज करने लगा जिन्हें वह काफी पसंद करता था। यानी कि लेट का मतलब वह मिल्क नहीं समझता था, बल्कि वह इसको तब बोलता था जब उसे काफी अच्छी फीलिंग आती थी। तकरीबन 6 साल बाद इटार्ड भी थक चुका था, वह विक्टर को और नहीं पढ़ा सकता था। वह समझ गया था कि विक्टर जितना सीख सकता है उसने सीख लिया है, अब शायद इससे ज्यादा वह सीख भी नहीं पाएगा। 6 साल बाद विक्टर कुछ ही शब्द अपनी जुबान से निकाल पा रहा था, हालांकि वह अब समझ गया था कि लेड का मतलब मिल्क होता है। इटार्ड ने विक्टर को सेफ साइज और कुछ राइटिंग समझाने की भी बहुत कोशिश की थी और काफी हद तक विक्टर ने उसे सीख भी लिया था, लेकिन अगेन विक्टर का इस फील्ड में भी सीखने की एक लिमिट थी जिससे ज्यादा वह इस स्किल को नहीं सीख पाया। फाइनली इटार्ड ने भी हार मान लिया और वह विक्टर को एक नॉर्मल पर्सन नहीं बना पाया। लेकिन इटार्ड के हार मानने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वह पूरी तरह से हार गया है। कुछ चीजें थी जो विक्टर को एक नॉर्मल पर्सन बनाने की ओर ले गया, जैसे कि विक्टर का जो जंगली अकड़ू और ईगो वाला मैनर था वह अब दया और सद्भावना यानी कि एम्पैथी में तब्दील हो गया था। वह अब लोगों में भी इंटरेस्ट दिखाने लग गया। पहले जब उसे भूख लगती थी सिर्फ तभी वह लोगों से बोलता था, बट वह अब इटार्ड और ग्यूरिंग से काफी अटैच हो गया। जब इटार्ड और ग्यूरिंग उसे कोई पनिशमेंट देते तो काफी गिल्टी और शर्म महसूस करने लगता। एक बार जब विक्टर एक हफ्ते के लिए जंगलों में भाग गया था तो वापस इटार्ड और ग्यूरिंग से मिलने पर उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। वह इटार्ड से गले लगकर रोने भी लगा था। वह अब दूसरों की तकलीफों को समझ सकता था, जैसे कि जब ग्यूरिंग के हस्बैंड की डेथ हुई तो वह भी बहुत उदास हो गया था। उसे जब हमेशा की तरह ग्यूरिंग के हस्बैंड के लिए डिनर की टेबल पर प्लेट सजाई तब ग्यूरिंग की आंखों में आंसू आ गया, जिसे देखकर विक्टर दोबारा उस प्लेट को उस टेबल पर फिर कभी भी नहीं सजाया। यानी कि वह समझ गया था कि ग्यूरिंग को उसके इस एक्शन से बहुत तकलीफ पहुंचती है। 6 साल बाद इटार्ड को यह मालूम हो गया था कि विक्टर अब इससे ज्यादा नहीं सीख सकता, इसलिए उसने विक्टर को केयर टेकर के पास छोड़कर अपने काम पर वापस लौट गया और अनफॉर्चुनेटली 40 की उम्र में विक्टर की भी मौत हो गई। दोस्तों, द विल्ड बॉय ऑफ एवरॉन की यह कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प और इमोशनल है। यह हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। पहला, यह उस टाइम के नोबल सेवेज वाली फिलॉसफी को भी गलत ठहराती है, जिसका कहना था कि जो इंसान सोसाइटी से जितना दूर रहता है वो उतना ही ज्यादा सभ्य हो जाता है। विक्टर की एक कहानी बताती है कि सोसाइटी और लोगों से हम जितना ज्यादा दूर रहेंगे हम उतना ही असभ्य यानी कि अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे। अगर हमें सिविलाइज्ड होना है तो सोसाइटी के बीच रहना ही होगा। यह कहानी क्रिटिकल पीरियड थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक को भी काफी हद तक सही ठहराती है। यह थ्योरी कहती है कि हमारे बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें हम लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे और आसानी से सीख सकते हैं, और हमने लैंग्वेज को नहीं सीखा तो जिंदगी के आने वाले टाइम में हम इसे आसानी से नहीं सीख पाएंगे, और अगर हमने कुछ सीखने की कोशिश भी की तो हम उस हद तक नहीं सीख पाएंगे जितना एक नॉर्मल पर्सन सीख लिया होगा। तीसरा, यह कहानी ब्लैंक स्लेट फिलॉसफी को भी काफी हद तक गलत ठहराती है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग बचपन से वाकई एक ब्लैंक स्लेट है तो हम कभी भी एक प्रॉपर लर्निंग से उसे भर सकते हैं। लेकिन विक्टर को बहुत ही अच्छे तरीकों से इटार्ड ने सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कम ही सीख पाया था। दोस्तों, इस सच्ची घटना की सबसे बड़ी सीख नेचर वर्सेस नर्चर से जुड़ा हुआ है। नेचर मतलब हमें कोई भी चीज बाय बर्थ ही मिल जाना, और नर्चर मतलब जो हम यहाँ आकर जन्म लेने के बाद सीखते हैं। ये कहानी बताती है कि बाय बर्थ हम बहुत ही कम क्वालिटी अपने साथ लेकर आते हैं, ज्यादातर क्वालिटीज हम यहीं पर आकर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अगर हमारा शुरुआती जीवन का एक्सपीरियंस सही नहीं हुआ तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ही कमियों के साथ आगे बढ़ने को मजबूर हो जाएंगे।